अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह की करम से, फजल से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आप सब सुनाएं, आप सबके कैसे दिन गुजर रहे हैं? मेरी जितनी भी यूट्यूब की फैमिली है, जो मुझे देखती है, जो सुनती है, तो होपफुली आप सब मेरे साथ बने रहिएगा। इंशाल्लाह आगे नई नई वीडियोज आएंगी और काफ़ी एंटरटेनमेंट होगा, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि अभी बारात और वलीमे की भाई की वीडियोस वगैरह रहती हैं, तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि बस एडिटिंग करने का टाइम मिलता है। लेकिन ये बात है कि सबके फेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबके फेस शो हो रहे हैं, उसकी वजह से मैं फिर उनको क्रॉप करके उसके बाद जाके एडिटिंग करूँगी। तब तक फिर एक कज़न की शादी थी, जैसे कि वो मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद अब आगे शादी के बाद दावतें वगैरह स्टार्ट हो गई हैं, खीर की रस्म की वीडियो भी जैसे कि आपके साथ शेयर किया, तो आगे अब बस दावतें स्टार्ट हो गई हैं। सबसे पहले तो मेरी कज़न के घर जो दावत हुई थी, वो भी व्लॉगर है, उसका भी यूट्यूब चैनल है, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी उसका लिंक, तो उसको भी, उसके भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद फिर मेरे मामू ने दावत की है। उसके बाद अभी आज थर्सडे का दिन है, आज मेरी भाभी के मामू की तरफ उनकी दावत है। तो जिस दावत में मैं शरीक होंगी, उस दावत में इंशाल्लाह आपको ज़रूर उस दावत का व्लॉग मिलेगा। मामू के घर तो मैं गई हुई थी, नाना लोगों की तरफ, तो वो मैंने फिर व्लॉग बना लिया था, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत मज़ा आया था, हम अपने कज़न के लिए रिश्ता भी देखे हैं, तो उसके सिलसिले में भी हम लोग गए थे, जो कि पहले आपको वीडियो में नज़र आया होगा। तो वो उधर हम रिश्ता करने गए थे, अल्लाह ताला नसीब अच्छा करें, अगर नसीब में हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा, अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करें। उसके बाद फिर हम मामू लोगों की तरफ आ गए थे, शाम में मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं छत पे आ गई थी। छत पे आने के बाद सब इसी तरह बातें वगैरह कर रहे थे, कुछ वो मैंने क्लिप ले लिए थे। तीसरा पोर्शन जो है छत का, उधर तंदूर रखा हुआ है ना मामू लोगों ने, मामी ने उन्हें लगाया हुआ है, वहाँ पे मामी रोटी लगा रही थी, तो मैंने वो भी कुछ क्लिप बना लिए वीडियो। तो फिर ये सब बैठे हुए थे छत पे, तो इन सब की भी मैंने क्लिप बना ली थी। हस्बैंड थे, मामू थे, कज़न थे, और भाई था, और पापा वगैरह ये सब थे, तो मैंने इनकी भी वीडियो बना ली। इसी तरह बहुत अच्छा मंजर था शाम का, और बहुत अच्छा सा नज़ारा था इसका, ये 3 नंबर बैरियल वाली साइड पे। तो इसी तरह ये फिर मैंने कुछ क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी, और मेरी भाभी खड़ी भी थी, तो मैंने भी इनकी भी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, बैक साइड से मैंने इनकी वीडियो बना ली। तो बहुत अच्छा खाना था, अलग अलग बरकत है, रोज़ी रिस्क में भी है मेरे मामू लोगों को, तो इन्होंने बहुत अच्छी दावत में काफ़ी अहतमाम किया हुआ था। बिरयानी थी, गोश्त था, उसके बाद चाट थी, खीर थी, सैलड वगैरह था, कोल्ड ड्रिंक थी, सब्ज़ी थी, और काफ़ी चीज़ें इसी तरह उन्होंने बनाई थी माशाल्लाह। तो काफ़ी अच्छी दावत थी, बहुत मज़ा आया, सब ने इंजॉय किया, सब ने गपशप लगाई। सही शुगर मेला था, तो जब सब इकट्ठे होते हैं तो फिर मज़ा भी बहुत आता है गैदरिंग में, ये बात है। अब मैं आपके साथ आगे वीडियो शेयर करूँगी, जिस जिस दावत में मैं गई इंशाल्लाह वो वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मेरा कज़न है, मामू का बेटा, इसने भी यूट्यूब चैनल अपना खोला है, लेकिन ये बात है कि ये इतनी तवज्जो नहीं दे रहा, कभी कभी दिल करता है तो वीडियो डाल देता है, नहीं तो ये नहीं डालता। इसका भी अपना यूट्यूब चैनल है रिजवान खान के नाम पे। तो बस इसी तरह बहुत मज़े का खाना मामू लोगों ने बनाया हुआ था, काफ़ी इंटरटेनमेंट हुई, मज़ा आया, और इंजॉय भी किया सबने, बातें वगैरह की। भाभी और भाई ने पिक्स बनाई, मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी एक दो पिक्स बनाई थी, एक दो ही बनाई थी। तो इसी तरह बहुत मज़ा आया, टाइम अच्छा गुजरा है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके राय का ज़रूर इजहार दीजिएगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे मन की करवा दें, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ, जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दें।
जल्द से जल्द मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दें, मेरे बन की करवा दें और मेरे साथ बने रहिए। मेरी जितने भी यूट्यूब फैमिली है उनका दिल से शुक्रिया है। अल्लाह ताला सबकी रोज़ी रिस्क में बरकत डाले, अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता करें। जैसे कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं हमें इसका फल मिले, तो आप सब भी जैसे कि मेहनत करते हैं तो आप सबको भी इसका फल ज़रूर मिले। तो मेरे साथ बने रहिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करूँगी, तो इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के अल्लाह हाफिज़।